हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की 117वीं जयंती पर गृह जिला सिरमौर में कई स्थानों पर उन्हें याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में नाहन में भाजपा ने पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष तौर पर शामिल हुए और हिमाचल निर्माता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि हिमाचल का विकास हिमाचल के आधार पर हो सके, इसके लिए डॉक्टर परमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल कृषि प्रधान राज्य है और यहां पर सड़कों का निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को उपलब्ध होने के साथ साथ यहां की संस्कृति जिंदा रहे, इस पर विचार के साथ उन्होंने हिमाचल का निर्माण किया है। बाइट डॉक्टर बिंदल। आज स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की जयंती का शुभ दिन है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर परमार साहब का नाम अमर रहेगा। जिस तरह छोटी सी आयु में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य से निकलकर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करते हुए आज़ादी के लड़ाई में अपनी भूमिका निभाते हुए और हिमाचल अलग से अपना अस्तित्व लेके खड़ा हो, हिमाचल का विकास हिमाचल के आधार पर हो, इस भाव को लेकर जिन्होंने हिमाचल की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के श्री चरणों में आज नमन करने का दिन है और पूरा हिमाचल आज उनके प्रति नतमस्तक होता है। उन्होंने छोटी छोटी बातें हिमाचल के लिए कही, हिमाचल कृषि पर आधारित हो, हिमाचल में सड़कों का विकास हो, हिमाचल में सब तरफ शिक्षा की रोशनी फैले, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी पहाड़ियाँ ये जिंदा रहे, ऐसे अनेक विषय उन्होंने रखे और हम सेल्फ आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये अगर आत्मविश्वास किसी ने दिया तो वो थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। आपको बता दें कि डॉक्टर वाईएस परमार का नाहन से विशेष संबंध रहा है। परमार तत्कालीन महाराजा के साथ यहां कार्य करने के बाद भारत की राजनीति के श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचे, जो कि क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का विषय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।